तो ऑनलाइन एग्जाम आज तक मैंने नहीं दिया है, सो लिटिल बिट इन टेंशन। ये मेरा पेपर हो गया है, आई एम सो सो हैप्पी। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मनीषा के ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी। मेज रखा जा चुका है, स्टूल रखा जा चुका है। सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम। मेरा पेपर वेपर सब रेडी है, नाम हम लिख के रेडी कर चुकी हूँ। और ऑनलाइन एग्जाम है तो सबसे पहले सब कर ही लेते हैं। थोड़ी थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि आज तक मैंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है भैया, क्योंकि नेपाल में हमारा तो भले ही कोरोना आ गया था फिर भी हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो ऑनलाइन एग्जाम आज तक मैंने नहीं दिया है, सो लिटिल बिट इन टेंशन। ये रेडी है, अब यहाँ पे पेपर आएगा उसके बाद हम लिखेंगे। ऊपर से 4 साढ़े 4 घंटा हो माय। हाँ, 4.5 घंटे का पेपर है, 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक का। तो और ये हम पेपर में 4.5 घंटा में उठ बैठ सकती हूँ कि एक जगह पे बैठ अरे सकती घूम हूँ? सकते हैं, जो मन करे वो करो, लिखना है बस, उसमें सबमिट करना है। तो यही बस थोड़ा सा टेंशन है कि बस अपलोड हो जाए सही से तो फिर बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो शुरू और होने वाला तुम्हारा। 11 बजे शुरू होने वाला, बट इंडियन टाइम है ना, तो हमारे यहाँ भी 11 बज चुका पर वहाँ पे नहीं बजा है। तो अभी 10 मिनट और हैं पेपर स्टार्ट होने में, तब तक मैंने पानी वानी सब रेडी कर लिया है। थोड़ा सा हल्का फुल्का नर्वस हूँ, ज़्यादा नहीं, पर पेपर के लिए नर्वस होता है इंसान। हाँ भाई, 2-4 क्लास का थोड़ी ना है कि ABCD लिखना है, हो वही गया। तो, नहीं मेन बात है ना कि सबसे मेन बात ये है कि ऑनलाइन पेपर आज तक हम नहीं दिए तो हमको यही टेंशन हो रहा है कि अपलोड होने में कोई दिक्कत ना आए, अदरवाइज तो सब सही है। तो चलिए मैं जाती हूँ पेपर देने, पेन वेन सब रेडी है, पेन स्केच। और मैं भी जाती हूँ खाना बनाने, वैसे आप भी अगर क्योंकि ऑनलाइन, मुझे भी किसी अगर पार्टी आपने में भी जाना ऑनलाइन है। पेपर दिया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑनलाइन पेपर का। मतलब जो पहले दिए उन लोगों का तो नहीं होगा, जो न्यूली स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों का तो दिया होगा ना ऑनलाइन। और इंडिया में तो आई थिंक ऑनलाइन हुआ है काफ़ी बार, यहाँ पे तो या तो डायरेक्ट पास कर दिए हैं या तो फिर ऑफलाइन कराए हैं बस। चलिए देखते हैं कैसा होता है, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी कि आज का पेपर कैसा हुआ। अभी 1 वीक तक हम लोग का पेपर चलने वाला है, 6 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सेमेस्टर। सो दिस इज माई कॉपी, मैंने सब लिख उख के रखा है। और यह फोन है, अब एग्जाम का पेपर तो इसी में आएगा ना, एंड दिस इज पेपर पेन। देखो ना, पेपर प्लेन पेपर पे एग्जाम देना है, प्लेन पेपर पे। प्लेन पेपर, A4 साइज के पेपर पे एग्जाम देना है तो प्लेन वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मैंने सुना। तो मैं सबसे प्लेन पेपर पे कर रही हूँ, सो तब तक लेटा। सो हेयर वी गो, मेरा सारा पेपर रेडी है, सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। मतलब टाइम ख़त्म होने के 1.5 घंटा पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था और अपलोड भी कर चुकी। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि अपलोड करते हुए प्रॉब्लम होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लगा मोबाइल से नहीं हो पाएगा सही से। 13 पेजेस हैं, 12 पेजेस लिखा है, 1 पेज में पूरा डिटेल्स वगैरह है। नाउ आई एम चिल, ओके। पहला पेपर बहुत अच्छा गया। आप लोग कभी अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है, कभी पहला पेपर हो, ज़्यादा पैनिक मत करिएगा, मेरी तरह मैं पैनिक कर रही थी, बट एट लास्ट सब कुछ सही हो गया। हाँ, बाकी तो जीमेल वगैरह दे ही देते हैं स्कूल वाले कि अगर नहीं अपलोड हो पाया तो उनके पास भेज दो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मम्मी भी रेडी हो रही है कहीं जाने के लिए। मेरा पेपर हो गया है, आई एम सो सो हैप्पी। दिक्कत ये नहीं थी पेपर होने में, बस अपलोड हो गया, आई एम सो हैप्पी। स्टिल आई हैव 15 मिनट्स। तो चलिए तब तक ले, टाटा बाय बाय।